प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने आप लोगों को कुछ वीडियो पहले एक वीडियो में कहा था कि ग्रहों का परिवर्तन इतना तेज हो रहा है और इतने डिफरेंट तरीके से हो रहा है कि हर दिन कोई एक नई युति हमारे सामने आती है और उसका जब आकलन करते हैं तो उसका परिणाम चौंकाने वाला होता है। ऐसे में हमारे एक दर्शक ने मुझे 5 अप्रैल 2022 का एक गोचर भेजा और उन्होंने कहा कि देखिए सर, इस गोचर के अंदर यह विशेष योग बन रहा है। अब जब उस दिन को मैंने एनालिसिस किया तो एक विचित्र संयोग वहां मुझे दिखाई दिया और उसको जब मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो जो मैंने आपको दिए थे गोचर के एनालिसिस के, उनसे जब कंपेयर करता हूं तो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आती है कि इस बार जो यूपी में होने जा रहा है वो साधारण नहीं होगा। 100% इस बार इन चुनावों के अंदर से वो चीज निकल करके आएगी जो असाधारण होगी, अप्रत्याशित होगी, भारत के भविष्य को सुनहरा बनाने वाली होगी और बहुत सारे लोगों की राजनीति की दुकान बंद करने वाली होगी। अब आप कहेंगे मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूं, तो जरा मैं आपको समझाता हूं ग्रहों के आधार पर। 5 अप्रैल 2022, जरा एक गोचर देखिए। इस गोचर के अंदर आपको एक विशेष बात नजर आ रही होगी। हालांकि ये जो राहु और केतु की डिग्रियां है ये कुछ सॉफ्टवेयर में आपको 28 डिग्री की दिखेगी और कुछ में ये 0 डिग्री के साथ में राशि परिवर्तन हो चुका होगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों वक्री चलते हैं, इसलिए कुछ सॉफ्टवेयर में ये एरर हमेशा आता है। ऐसे में कुछ सॉफ्टवेयर में राहु केतु भी 28 डिग्री पर आपको दिखाई देंगे। उसके साथ में मंगल की डिग्री देखिए, वो भी 28 डिग्री है। शनि को देखिए, वो भी 28 डिग्री है और बृहस्पति को देखिए, वो भी 28 डिग्री है। ऐसे में बृहस्पति, मंगल और शनि तीनों का 28 डिग्री पर होना क्या संकेत देता है? एक साधारण दृष्टिकोण से अगर आप समझेंगे तो ज्योतिष के अंदर यह मान्यता है कि 28 डिग्री का ग्रह मतलब वृद्ध है, उसके अंदर ताकत नहीं है परिणाम देने की। यह एक धारणा है और 99% नहीं, 100% एस्ट्रोलॉजर इस चीज पर विश्वास भी करते हैं। मैं खुद भी विश्वास करता हूं, लेकिन यह बात 100% सही नहीं है। क्यों नहीं है, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। मंगल अपनी उच्च राशि में है, मकर राशि में है, और अगर आप ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं तो मंगल 28 डिग्री पर ही अपनी उच्च और राशि या नीच राशि में होता है। यानी 28 डिग्री उसका एक्यूरेट पॉइंट है जिस पर वो पूर्णतया अपनी उच्च राशि में होगा। यानी मकर में है तो पूर्णतया उच्च राशि में है, और यदि वो कर्क राशि में है 28 डिग्री तो पूर्णतया वो नीच का है। अब यहां पर मंगल की ताकत को देखिए कि 28 डिग्री पर पूर्णतया वो अपनी उच्च राशि में विद्यमान है। शनि और मंगल की दोनों की डिग्रियां समान है और शनि अपनी राशि में है। अब बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति 28 डिग्री पर है और कुंभ राशि में है। मंगल अपनी पूर्ण उच्च राशि में स्थित है और शनि अपनी ही राशि में विद्यमान है। अब आप बताइए क्या यह मृत अवस्था या वृद्ध अवस्था में है? क्या इनके अंदर ताकत नहीं है परिणाम देने की? बिल्कुल है, लेकिन परिणाम क्या देंगे, जरा इस पर विचार करते हैं। मैंने 28 फरवरी का एक गोचर, उस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। उसमें मैंने आपसे कहा था कि प्रायः बहुत सारे ग्रह 0 डिग्री या आरंभ की डिग्रियों में हैं,
वहां से वो परिवर्तन का दौर शुरू होता है। और यहां पर मात्र 2 महीने के बाद ही, यानी कि अगर मैं कहूं 2 महीने भी नहीं, केवल मार्च का माह बीच में जा रहा है, 5 अप्रैल तो महीने की शुरुआत ही है, ऐसे में 28 फरवरी से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में मात्र 1 महीने के आसपास का ही समय बनता है, 1 माह से कुछ थोड़े से दिन ज्यादा है। ऐसे में 1 माह पहले 0 डिग्री से 1-2 डिग्री के आसपास ग्रह, और अब ये 28 डिग्री पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होता है, उसके पश्चात उसी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाता है कि अब आप कृपया हमारा मार्गदर्शन करें और अब आगे की बागडोर हमें संभालने दें। जैसा आप लोग जानते भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों को एक मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था। वहां से वो लोग भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अलग विषय है, लेकिन उनके साथ ऐसा ही हुआ था। अब यहां पर इन ग्रहों की स्थिति क्या है? इन ग्रहों की स्थिति भी यही है कि 28 डिग्री पर पावरफुल होकर के जो इन्होंने फरवरी के एंड से एक परिवर्तन करवाना शुरू किया था, उसको यहां पर ये पूर्ण कर चुके हैं और अब ये अपनी बागडोर नए सिरे से, नए तरीके से आगे हैंडओवर करने वाले हैं। यानी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन पूर्ण हो चुका है इस 1 माह में, और अब नई बागडोर उन्हीं ग्रहों को अगले स्तर पर दी जा रही है। ये 100% अपने आप में किसी बड़े सुधार की ओर इशारा है, बड़े परिवर्तन की ओर इशारा है, और ऐसा इशारा है जो बहुत बड़े परिवर्तन को भारत के पक्ष में करने के लिए हो रहा है। हालांकि इसका प्रभाव विश्व के हर देश पर पड़ेगा, लेकिन भारत पर क्या पड़ेगा यह मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसे में यूपी के अंदर जो इस समय पर इलेक्शन होंगे, या यूपी के अलावा बाकी राज्यों में भी होंगे, यहां पर ये परिवर्तन का एक नया अध्याय लिखेंगे ये चुनाव। बहुत से लोगों को राजनीति के अंदर अब मार्गदर्शक मंडल के अंदर बैठना पड़ेगा। कुछ लोगों के राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे या खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे, और कुछ नए लोगों को आगे नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। उनकी शक्तियों में इजाफा होगा और उन्हें और बेहतर तरीके से भारत के लिए काम करने का मौका मिलेगा। ये ग्रह इसी ओर इशारा कर रही है। और दर्शकों, मैं आपसे इसलिए भी ये बात कह रहा हूं क्योंकि जनवरी माह से लेकर के अप्रैल माह के बीच में इतने सारे योग बने हैं, इतनी युतियां बनी हैं, इतने नए नए दृष्टिकोण मुझे देखने को मिले हैं जो मैंने मेरे पूरे जीवन के कालखंड में कभी भी इतनी तेजी से इतने योग बनते हुए नहीं देखे। और इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था, पहले भी मैंने कहा था कि 2022 का साल बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा पूरे विश्व के अंदर, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो 2022 का साल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और ग्रहों के आधार पर मैंने आपके सामने वो बात रखी है, ये मेरा निजी मत नहीं है, या केवल मैं वीडियोस के व्यूज बनाने के लिए, या वीडियो के अंदर मेरे को काफी लाइक्स मिले इसलिए मैं कोई नई बात आप लोगों के सामने रखूं, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजिकल वो कंडीशन आप लोगों के सामने रखी है, उसका प्रभाव क्या होगा उसके बारे में आप लोगों को बताया है, ग्रहों की क्या परिस्थिति है, किस डिग्री पर है, कहां पर उसको बल मिल रहा है, हर एक चीज आप लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैंने रखी है। और जो लोग थोड़े सी भी एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं वो मेरी इस बात को 100% एक्सेप्ट करेंगे कि ये जो हो रहा है ये साधारण नहीं है। एक साथ कई ग्रहों का 0 डिग्री से 2-3 डिग्री के बीच में होना, फिर 1 महीने के बाद में 28 डिग्री पर होना, वहां उसकी ताकत का बनना, 0 डिग्री पर एक विशेष अम्ब्रेला का बनना, ये साधारण हो ही नहीं सकता।
अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं, आप लोगों को अनुभव है, तो कृपया आप भी इस बात पर रिसर्च करके देखिए कि क्या ऐसा कुछ पिछले 1000-2000 साल के कालखंड में हुआ है क्या, जब इतनी जल्दी जल्दी इस तरह से युति बनी हो और इस तरह का परिवर्तन भी ग्रहों का हुआ हो। मेरी नजर में तो ये बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें मैं लगभग 4000 साल पहले तक जाकर के ग्रहों की स्थिति को देख सकता हूं। ऐसे में मुझे तो कोई भी किसी भी तरह की ऐसी परिस्थितियां पहले देखने को नहीं मिली है। इसीलिए ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है ये विशेष है और एक बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। इसीलिए यूपी के इलेक्शन में इस बार ये फोरकास्ट करना कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, प्रियंका जी की स्थिति क्या होगी, इस बार के परिणाम इन सबसे बहुत ऊपर रहने वाले हैं। ऐसे परिणाम जो भारत के इतिहास को जब लिखा जाएगा आने वाले समय में, तो इस साल को, इस चुनाव को याद जरूर रखा जाएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने ग्रहों का एक विशिष्ट आकलन आप लोगों को देने का प्रयास किया है। मेरा वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर ग्रहों की कोई विशेष परिस्थिति यदि बन रही है तो उसके संदर्भ में मैं आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।